विचार देवी देवता को साधक कामुकता की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, वो नहीं देख रहे हैं। उनके अंदर जो भरा हुआ है मन में, वो सब उसके सामने डाल देता है। उसको ऐसा लगता है वही कर रहा है। लेकिन धीरे 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 साधक अगर गुरु निर्देशन में, उसके गाइडेंस में बढ़ता हुआ चलता है, तो उसको बताता है कि तुम करो, जितना भी आ रहा है ये आने दो, वेलकम करो कि एक बार में आ जाओ सारा, जितना भी कचरा है तुम आ जाओ, लेकिन मैं बैठूंगा। इसी को ही तमस बोलते हैं कि मैं बैठूंगा कुछ भी हो जाए। तो जब वो इस दृढ़ निश्चय से बैठता है, इस संकल्प से बैठता है, इसीलिए साधना में पहले संकल्प दिलाया जाता है, मैं संकल्प करके बैठ रहा हूं। और जो जो साधक संकल्प तोड़ता है, उसका आत्मबल धीरे धीरे टूटता चला जाता है और उस साधना के पथ से हट जाता है। क्योंकि बिना संकल्प के आप साधना में कैसे बैठोगे? अगर आपने बोल दिया 5 घंटे बैठूंगा, तो आप मर जाओ, आपके साथ कुछ भी हो जाए, घर में उठना ही नहीं है, क्योंकि ये सारे मन के खेल है। इतना तीव्र है कि वो आप अगर नहीं उठोगे तो वो बाहर जाके लोगों को डिस्टर्ब करेगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति बना देगा कि उसी टाइम घंटी बजेगी, उसी टाइम को कुत्ता भौंकने लगेगा। और वो भी नहीं होगा तो आपको मन में ऐसे ऐसे भ्रम डालेगा कि अभी कोई गया है यहां से, अभी मेरे पर किसी ने पानी डाल दिया, अभी कोई भूत प्रेत खड़ा था। फिर ये भी नहीं होगा तो ये भी होगा, अरे मुझे भव्य दर्शन हो गए। मन को मारने के लिए लगा हुआ है, लेकिन उसको लालच आ रहे हैं बार बार, अरे मुझे दिव्य दर्शन हो गए, आज देवी के दर्शन हो गए, बड़ी रोशनी दिख गई। तो उसने उसका लालच थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया कि चलो यहाँ नहीं मान रहा, यहाँ मान जाएगा, साधना के लिए लगा उसी के लिए लगा, उसका लालच दे दो। इतना गहरा मन का खेल है, पैसे से लेके, सारी इंद्रियों से लेके, जितने भी उसके लालच हैं सब उसके सामने आते हैं और उसको हटाते हैं वहां से। लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म नहीं अगले जन्म, इसी करोड़ों में जन्म में आएगा उसी पर ही, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर शिव ने बोल दिया कि यही सूत्र हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को उसमें प्रश्न उठाने की आवश्यकता पड़ेगी कि यही एक मार्ग है। तो जो मैं ध्यान के प्रयोग कराता हूं, मैं कोई एक प्रयोग नहीं कराता हूं। मैं इसीलिए एक प्रयोग नहीं कराता हूं क्योंकि जैसे ही मैं एक प्रयोग करूंगा, एक प्रयोग करो, वह उसके मन में सेट हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है मैं प्रयोग कर लेता हूं। उसको मैं इसीलिए कुछ नहीं बताता हूं कि ध्यान में क्या होता है, क्योंकि उसको बताएंगे कि ध्यान में क्या होता है तो वो प्रोजेक्ट करके दिखा देगा उसको कि देखो देखो हो रहा है, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा, ठीक अब ध्यान हो रहा है, अब मैं मुक्त हो गया, अब मैं बुद्ध हो गया। तो उसको मैं एक विधि नहीं बताता हूँ, मैं 3-4 विधियों में उसको घुमा देता हूँ, क्योंकि हिट तो सारी विधियाँ वही करेंगी, और जब सारी विधियाँ वही हिट करेंगी तो मैं क्यों उसको एक विधि पकड़वाऊँ। मैं अलग अलग विधियों से उसको गुजारता हूँ कि तुम ये भी करो, तुम जिब्रिस भी करो, तुम तीव्र ध्यान भी करो, तुम भस्त्रिका भी करो, तुम सांसों पर ध्यान भी करो, और तुम जेन ध्यान भी करो, स्थिर होकर बैठ जाओ, बिल्कुल चुपचाप, हिलना नहीं चाहिए कोई भी अंग। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 जब कोई अंग नहीं हिलेगा तो उसकी बॉडी का शेप उसको धीरे धीरे अपनी आत्मा से ऐसे हिलता हुआ दिखेगा। अभी उसकी ये है आत्मा और ये बॉडी, ऐसे ऐसे हल्की हल्की हिलती हुई दिखेगी, तो उसको बॉडी अलग दिखेगी, अपनी आत्मा अलग दिखेगी, अपना स्वरूप जो उसका परम का स्वरूप है वो हल्का सा हिलता फिर वापस आएगा। उसको भय लगेगा क्योंकि वही स्टेज आती है मन की मृत्यु में, तो उसको लगेगा नहीं नहीं वापस आओ, पता चला मर गए और समाधि में चले गए, वापस नहीं आए, किसी ने उठाया नहीं, फिर मैं वो कैसे खाऊंगा, उससे कैसे मिलूंगा, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरा बच्चा से कैसे मिलूंगा, तो फिर वापस आ जाता। फिर धीरे धीरे उसको वही करना चाहिए कि बैठा रहे, बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहे, क्योंकि 1 मिनट नहीं होगा, 10 मिनट नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा, लगातार उस पर उसको चोट मारनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चोट नहीं मारेगा तो उसकी मन की मृत्यु नहीं होगी, और जब मन की मृत्यु नहीं होगी तो मन के पार के जो रहस्य हैं वो एज इट इज उसको देख ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले साधकों को तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान के पश्चात मन की जब मृत्यु हो जाए तो कुछ बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, उसको समझ में आ जाता है गुरु क्यों बोल रहा था, गुरु क्यों बोल रहा था कि मर्यादा में रहो, गुरु क्यों बोल रहा था कि नीति नियम का पालन करके चलो, क्यों बोल रहा था कि 4 बजे उठो, क्यों बोल रहा था कि रात में करो। उसको फिर वो भीतर से ज्ञान होता है, क्योंकि वो माया का पर्दा गिरा दिया।